केजरीवाल की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही, इसलिए केंद्र उन्हें डराने की कोशिश कर रहा। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार इन दिनों कई आरोपों से जूझ रही है। आपके कई मंत्री और नेता जेल की हवा खा रहे हैं। इस बीच आपके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निशाने पर हैं। इसे लेकर आपने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। आपके दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष और पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव ने रविवार को मटियाला विधानसभा क्षेत्र में घर घर मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान चलाया। गुलाब सिंह यादव ने लोगों से बातचीत करते हुए पूछा कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। यादव ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बार फिर आप नेताओं को जेल में डालने के लिए नया जाल बिछाया है। देश भर में अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से मोदी सरकार उन्हें रोकने के लिए ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश कर रही है। अब उन्हें जेल में डालना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कुछ गलत किया है वे ही ईडी और सीबीआई से डरते हैं। आप ईडी और सीबीआई से डरने वाली नहीं है। जनता जानती है कि आप ईमानदार पार्टी है। अगर अपनी ईमानदारी के कारण हमें जेल जाना भी पड़े तो हम एक पल भी नहीं सोचेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई देश को बचाने के लिए है। आज देश में युवाओं के पास रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर शिक्षा का अभाव है। गुलाब सिंह यादव ने कहा, पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया गया है। किसान परेशान है और युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है। केंद्र सरकार को सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की चिंता है। बीजेपी ईर्ष्यालु है, क्योंकि अगर वे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो चाहते हैं कोई दूसरी सरकार भी ना करे। मैं बीजेपी को बताना चाहता हूं कि अच्छे काम के लिए अच्छे इरादे जरूरी हैं, जो केवल आपके पास हैं। यादव ने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, गंभीर चिंता का विषय है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।